The active part is the body, actually, and the you know the moon part is the mind. तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों साथ में रहते ही नहीं है, तो बैलेंस कब करेंगे? तो दो द थिंग आई से इज देयर ऑलवेज टुगेदर. द सटलिटी इज सो ब्यूटिफुल दैट इट कैन जस्ट डिसअपियर एंड कीप कमिंग एंड गोइंग वेर एवर इट वॉन्ट्स. द होल जर्नी व्हेन वी से योगा करो बॉडी माइंड सोल दैट इज योगा, चलो सब साथ में लेके आओ. कहाँ लेके आते हम लोग? शरीर योगा कर लेते हैं, मन रहता है क्या? I mean, how many of us we are practicing yoga? Is the mind with us when we are doing the asana? This is where the journey starts. Bring your mind in place. That's the reason the instruction for inhale and exhale is given. If you're focusing on your breath, the mind has to stay there. Because jo prana hai, the breath, life force jo hai, that is connected to the breath and that connects the mind and the body like a beautiful thread. It will be connecting both of them. So when we say inhale and exhale, and if you're focused on the breath totally, your mind cannot go anywhere. And that's when you get an experience even while doing yoga. You can actually feel the stillness. You can feel, so best part is pranayama. सब लोग कर सकते हैं प्राणायाम, तो ऑल ऑफ अस कैन डू हाउएवर एवर वी आर व्हाट एवर आवर हाइट वेट बॉडी डजंट मैटर, प्राणायाम कर सकते हैं क्या? डीप ब्रीथिंग, हाँ चलो शुरू करते हैं. तभी भी मन नहीं रहता है. बेसिक डीप ब्रीथिंग में बहुत इजी है मन को भग के क्या निवासना में कम से कम सुनना पड़ता है इंस्ट्रक्शन, तो थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है. बट डीप ब्रीथिंग बोला 10 राउंड बोला चलो क्या करना है आज ना, मेरे को ना चना बनाना है, फिर इसके बाद मेरे को ना पता नहीं और क्या करना है, आज उपवास है, आज ये है, आज मेरे को डिनर में ये है, उसने कल ऐसा क्यों बोल दिया था, अच्छा उसने ब्रीदिंग बंद करने को बोला, अभी क्या करना है? ओके, दिस इज हाउ वी आर डूइंग, चेक एवरीबॉडी. ऐसा है तो प्लीज वॉचमैन बिठा दो, ऐसे नहीं करना है. द मिनट वी गो इन टू दैट जोन वी हैव अलाउड द माइंड टू ड्रिफ्ट अवे एंड द पर्पस ऑफ सिटिंग देयर एंड एक्चुअली स्पेंडिंग आवर टाइम फॉर सर्टन थिंग्स इज लॉस्ट. हम लोग को लगता है आसन कर लिया ना अपना हेल्थ तो ठीक रहेगा, बॉडी ठीक रहेगा, थोड़ा स्लिम विम हो जाएंगे, वॉट एवर पर्पस वी हैव डजंट मैटर, बट दैट्स नॉट द गोल. द actual goal for yogasana pranayama is for us to be balanced.